गोवा के मांडवी नदी पर तिसवाड़ी तालुका में जो एक वासे नाम का बेट है, उस बेट में 78 परिवार हजारों साल से है। उस बेट के विकास के नाम पर वहाँ एक 5-स्टार होटल बांधने जा रहा है और उस विकास के नाम से वहाँ के 78 परिवारों को विस्थापन करने जा रहा है। अगर इन लोगों का विस्थापन किया तो वो लोग कैसे जिएंगे, उन लोगों की हालत क्या होगी? इस बेट पर 1995 से महेश गांवनेकर नाम के एक बड़े बिल्डर ने अपना कब्जा पाने के लिए यहाँ के गांव वालों से उल्टा सुल्टा लिख कर लिया। यहाँ कोई नहीं रहते थे, हम लोग जमीन बिक रहे हैं, ऐसा लिखकर कई लोगों के पास से हस्तगत कर लिया और किसी के पास से अंगूठे के निशान भी लगा कर लिए। ये जमीन जे हजेर ये लोग 1000 वर्ष रहता, ती जमीन जायते वर्ष फाटी सांता मोनिका म्हणजे कॉन्वेंटा ते गांवचे लोकांनी त्याचे नावार करून दिली, कित्याक ते इगर्जे बरोबर लागीचे रिलेशन असले। सो इतली वर्षां ते इगर्ज इगर्जेचे नावान आशिल्ले, पूण हे सगळे लोक टेनंट आणि लीज होल्डर म्हणजे जमनीचेर आसात। जाल्यार 2006 इगर्जेन ही जमीन 6 रुपया आणि 20 रुपया मीटर करून ते गांवणेकाराक विकली आणि लोकांक मातशें सुद्दां कळपाक दिलें ना। आणि हांगासर जर हॉटेल आयलें जाल्यार कितें प्रॉब्लम जातलो तुमकां? प्रॉब्लम जातलो म्हणजे आतां पयलीं सद्द्या आमचे उदकाचो मेजर प्रॉब्लम जाता, कित्याक आतां तुका हाज्या प्रमाणे दिसान दीस आतां उदक कमी जायत आसा कितें, आनी आमकांच तें पयलीं सद्द्या सारकें सफिशियंट मेळचें ना। आनी तें हॉटेल बांदप म्हणजे जाणूं तें ताका प्रोजेक्टाक कितलो हें लागता पळय। तो पयले सुवातेर हांगासर आमची ल्हान भुरगीं आसा, तांकां सगळें वायट शिंकपाक पावतलें, तीं ड्रग्साचेर येतलें, आमचे लँडाक खूब मार बसतलो, आमची घरां आसा तें सगळें डॅमॉलिश करून आनी कितें पोरणीं घरां आसा कोण भायर आसा तांकां खूब मार बसतलो म्हणून। आतां सद्द्या तुमी कितें करपाक थारायला? आतां आमी हांगासर करपाचें आसा म्हणजे सगळीं आमी युनायटेड जावन हांगासर आमचे हे डेप्युटी कलेक्टरा कडेन पळय प्रॉब्लम गेल्लो आसा मेमोरँडम लॅटर, ते आमी गव्हर्नराक लॅटर केल्या आनी आतां आमी तांचेर स्ट्रिक्टली सारकें एक्शन घेवन आमी फुडें वचत आसा, खंय खंय वचपाचें आसा तें आमी सगळें फॉलो अप करीत आसा। और इसके साथ साथ हर गोवा वासियों ने भी ये सोचना जरूरी है कि अपनी ज़मीन किसी को भी पैसों के कारण बिकना नहीं चाहिए, क्योंकि पैसे एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हमारी जो पुरानी ज़मीन है वो हमें ज़िंदगी भर जिएगी। अगर ऐसा ही गोवा के लोगों की ज़मीन बिकती चली गई तो एक दिन गोवा ही पूरा बिक जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। मैं देवीदास गांवकर, इंडिया अनहर्ड के लिए तिसवाड़ी गोवा से।